इंदौर फिर से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन चुका है। ये कोई पहली बार नहीं बल्कि छठवीं बार ऐसा हो रहा है। अब तो आदत सी है मुझको। एंड ये भी बता दूं, सेकंड नंबर पे सूरत और थर्ड नंबर पे नवी मुंबई। और स्टेट के मामले में देखें तो वो भी है मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, फिर गुजरात एंड फिर महाराष्ट्र। अब हर बार इंदौर फर्स्ट आ कैसे जाता है? सबसे पहला कारण तो बिल्कुल वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी एक्टिव है और काफी अच्छे से काम करती है। वहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां आती है, सफाई कर्मचारी काफी एक्टिव है, अलग अलग तरीके के डस्टबिन है। एंड जब सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है तो पब्लिक दो स्टेप आगे लेती है। वहाँ की जनता भी इस मामले में काफी एक्टिव है। एंड अगर आप कहीं कूड़ा फेंकते हुए देखे गए तो लोग आपको खुद बताएंगे कि सर यहाँ डाल दीजिए। इस तरीके की एक्टिवनेस ही बहुत हेल्प करती है इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बने रहने में। एंड एक कारण ये भी है, जब इतनी सफाई मेंटेन हो जाती है तो लोगों का खुद मन नहीं करता गंदगी फैलाने का। यही मेन कारण है जो कि अब इंदौर को हेल्प कर रहा है अपनी क्लीननेस मेंटेन करने के लिए। और साथ ही साथ काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिवनेस भी ऐड कर दी गई है। यही कारण है कि कॉम्पिटिशन में टॉप पे आने के लिए हमेशा इंदौर अपनी सफाई मेंटेन ही रखता है। ये ऐसी चीजें जो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व की है। वहां पे हम जाके बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि कूड़ा कहाँ डालना है, कोई डस्टबिन दिख जाए तो वहीं डालें तुरंत, और डस्टबिन बहुत ही पास में ही रहते हैं अक्सर। और तो और वहां का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा है और इंदौर वहां से करोड़ों रुपए भी कमा रहा है। और काफी सारे वेस्ट को बायोगैस में भी कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि फ्यूल की तरह हेल्प करती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वहां का। वैसे क्या आप भारत की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।